आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि इस कोर्स के अंदर एक्चुअल में इस कोर्स की कंप्लीट आउटलाइंस क्या हैं और आपको इस कोर्स के अंदर क्या मिलने वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि इस कोर्स के अंदर एक्चुअल में इस कोर्स की कंप्लीट आउटलाइंस क्या हैं और आपको इस कोर्स के अंदर क्या मिलने वाला है। तो चलें चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और वहां पे चल के देखते हैं कि एक्चुअल में आपको इस कोर्स के अंदर क्या मिलने वाला है। तो जी हाँ, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे देखिए हमने कुछ आउटलाइंस डिटेल के अंदर मेंशन की हुई हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमारी बात आ जाती है इंट्रोडक्शन के अंदर। इंट्रोडक्शन के अंदर मैं कंप्लीट वर्डप्रेस का इंट्रोडक्शन, बेसिक टर्म्स और इन सब चीज़ों के बारे में बात करूंगा ताकि आपका कंप्लीटली कंसेप्ट क्लियर हो जाए वर्डप्रेस के रिगार्डिंग की वर्डप्रेस एक्चुअल में क्या है और इसके रेलिवेंट टर्म्स क्या हैं। दूसरी चीज़, हम कंप्लीट डिटेल के अंदर बात करेंगे डोमेन और होस्टिंग। अगर आपको ये तक नहीं पता कि डोमेन क्या है, होस्टिंग क्या है, तब भी हम इसको बहुत ही डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि डोमेन एक्चुअल में क्या है, होस्टिंग क्या है, किस तरह से बाय करते हैं, किस तरह से उनको कन्फिगर करते हैं और बाकी तमाम मामला डोमेन और होस्टिंग के रिगार्डिंग। तीसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पे है कंप्लीट सी पैनल हमारा, जहाँ से हम अपने वेबसाइट के टेक्निकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे, अपनी फाइल्स को मैनेज करेंगे, उन सारी चीज़ों के अबाउट और उन कंप्लीट जो इंटरफेस है उसके अबाउट मैं बात करूँगा बिल्कुल डिटेल से। उसके बाद हमारे पास वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन है, किस तरह से आपने इंस्टॉल करना है, किस तरह से कौन सा मेथड है और इजीली किस तरह से आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर कंप्लीट वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओवरव्यू है। डैशबोर्ड से मुराद मेरा जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को मैनेज करेंगे या उस डैशबोर्ड को यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट के अंदर कंटेंट डालेंगे या डिलीशन करेंगे कंटेंट की या फिर अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे, वो तमाम मामला आप डैशबोर्ड के अंदर मैनेज करते हैं। और उस डैशबोर्ड के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो पोस्ट है, बहुत ही डिटेल में हम उसको बात करेंगे कि एक्चुअल में पोस्ट क्या है, इस हद तक हम उसको बहुत ही डिटेल के अंदर देखेंगे। उसके बाद हमारे पास मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, अपीयरेंस, प्लगइन्स क्या है, किस तरह से यूज़ करते हैं, इंपॉर्टेंट प्लगइन्स क्या है, अपीयरेंस के अंदर ये सारी चीज़ें, थीम्स एंड ऑल टूल्स के अबाउट बात करेंगे बहुत ही डिटेल के अंदर। और उसके बाद सेटिंग्स के अबाउट वर्डप्रेस की बात करेंगे। तो ये बहुत ही डिटेल के अंदर मैं आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड का ओवरव्यू दूंगा और एक एक चीज़ को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कस्टमाइजेशन वेबसाइट अपीयरेंस। मतलब एक्चुअल में हम अपनी वेबसाइट को इस मॉड्यूल के अंदर डिज़ाइन करेंगे, हम देखेंगे कि किस तरह से हमारी वेबसाइट डिज़ाइन होती है और कौन कौन से प्लगइन्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम डिज़ाइन करते हैं वेबसाइट को। उसके अंदर कुछ बिल्डर्स हैं पॉपुलर जो, जिनमें एलिमेंटर, डेवी और WP बेकरी है। अगर इनमें से आपको ये तीनों आते हैं तो दुनिया का कोई भी ऑलमोस्ट बिल्डर आप यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपको इन तीनों बिल्डर्स के अंदर इनको सीखना है और इनमें सबसे मेजर जो है वो एलिमेंटर है और उसको हम बहुत ही डिटेल के अंदर एक एक चीज़ देखेंगे उसकी। और यहाँ पे हम तीनों जो बिल्डर्स हैं उनको सीखेंगे, उनके रेलिवेंट पूरा कंप्लीट काम करेंगे और आगे चल के फ्यूचर में हम वहाँ पे उनके रेलिवेंट एक एक प्रोजेक्ट भी करेंगे। ओके, तो उसके बाद हमारे पास वेबसाइट को किस तरह से मेंटेन करना है, किस तरह से उसका बैकअप्स मैनेज करना है, उसको सिक्योर करना है, इन सारी चीज़ों के अबाउट बात करेंगे। और फाइनली हमारे पास यहाँ पे है हमारा सेकंड लास्ट मॉड्यूल। इसके अंदर हम कंप्लीट वर्डप्रेस की SEO के अबाउट बात करेंगे कि वर्डप्रेस की SEO क्या है, किस तरह से उसको करना है, किस तरह से उसको मैनेज करना है। और यहाँ पे जो फाइनल हमारा मॉड्यूल है उसके अंदर हम कुछ प्रोजेक्ट्स करेंगे, जो कुछ हमने उस कोर्स के अंदर सीखा फिर उसको हम बाकायदा रियल टाइम में इम्प्लीमेंट करके 5 प्रोजेक्ट करेंगे जो मैंने इसमें शामिल किए हैं, जिसके अंदर आप रेज्यूमे या पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना सीखेंगे, कॉर्पोरेट बिजनेस वेबसाइट बनाना सीखेंगे, प्रोफेशनल ब्लॉग बनाना सीखेंगे, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सीखेंगे, रियल एस्टेट जिनमें लिस्टिंग्स होती हैं उस तरह की वेबसाइट बनाना सीखेंगे। तो इन सारी चीज़ों के अबाउट हम बात करेंगे। तो ये एक कम्प्लीट कोर्स है जिसके बाद आपको किसी और कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसके अंदर ये सारी चीज़ें मैंने लिस्ट की हैं। जब हम इनको प्रैक्टिकल करेंगे तो इनके अंदर और बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाएंगी और बहुत सारी चीज़ों को हमने मजीद आगे अच्छे तरीके से मैनेज करना है और नई नई चीज़ें निकल के आएंगी उनको भी हम सीखेंगे। तो आई होप आपको पसंद आई होंगी कोर्स आउटलाइंस। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकायदा आगाज़ करेंगे पहले मॉड्यूल के साथ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।